हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम बूथ के बारे में। विलियम बूथ का जिक्र हो और साल्वेशन आर्मी का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। साल्वेशन आर्मी कलेशिया का वह भाग है जिसकी स्थापना विलियम बूथ ने की थी। दोस्तों, विलियम बूथ का जन्म 1829 में इंग्लैंड में हुआ। वह एक ऐसे परिवार में जन्मे जहाँ धन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास की कमी थी। उन्होंने जीवन यापन करने के लिए 13 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया और 15 साल की उम्र में एक मेथोडिस्ट चर्च में उन्होंने मसीह में विश्वास का पहला कदम बढ़ाया। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वह सब परमेश्वर का होगा जो विलियम बूथ के पास है। इसके बाद उन्होंने कई सुसमाचार सभाओं में भाग लिया। दोस्तों, उन्होंने जान लिया था कि उनकी बुलाहट यही है। विलियम बूथ ने खुले में प्रचार करना शुरू किया, खासकर गरीबों के बीच। अवसर की कोई कमी नहीं थी क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति का दौर था। औद्योगिक क्रांति के दौरान रोजगार की तलाश करने वाले लोगों की भारी संख्या के कारण शहरी क्षेत्र अधिक आबादी वाले हो गए थे और सामाजिक मुद्दों से भरी झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हुआ। कुछ कारणों की वजह से वहां की कलीसियाओं ने इन लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाना ना चाहा। बूथ ने एक मेथोडिस्ट चर्च में एक सेवक के रूप में कार्य करना शुरू किया, लेकिन उनका झुकाव पूरी तरीके से सुसमाचार बांटने की सेवकाई की ओर था। इस दौरान उनकी मुलाकात कैथरीन मम्फोर्ड से हुई और उनकी शादी 1855 में हुई। दोस्तों, बूथ ने जल्द ही अपने पादरी के पद से इस्तीफा दे दिया और यात्रा करने वाले प्रचारक के रूप में वह और उनकी पत्नी कैथरीन ने इंग्लैंड और वेल्स की यात्रा की। 1865 में भयानक सामाजिक समस्याओं के बीच बूथ पूर्वी लंदन में बस गए। यहाँ उन्होंने एक क्रिश्चियन मिशन का आरंभ किया जो न केवल आत्माओं को बचाने के लिए था बल्कि शरीर को भोजन कराने के लिए भी था। उन्होंने लिखा, आप लोगों के दिलों को परमेश्वर के प्रेम से गर्म नहीं कर सकते यदि उनके पास खाली पेट और आत्मविश्वास की कमी हो। 1878 में विलियम बूथ ने अपने मिशन को औपचारिक रूप दिया जिसे उन्होंने साल्वेशन आर्मी कहा। जिस प्रकार से किसी देश का सैनिक अपनी पूरी वर्दी में होता है, उसी प्रकार से साल्वेशन आर्मी की भी एक खास प्रकार की वर्दी को डिजाइन किया गया। विलियम बूथ को अब जनरल बूथ के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने सेना को अपना आदर्श वाक्य लहू और आग दिया जिसमें मसीह के लहू और पवित्र आत्मा की शुद्ध करने की शक्ति का जिक्र था। साल्वेशन आर्मी ने तेजी से लोगों को मसीह की ओर मोड़ा। उनकी सभाएं उन लोगों के लिए सुलभ थी जो कभी भी पारंपरिक चर्च में जाने की हिम्मत नहीं करते थे। यहां उन्होंने अपने शरीर के लिए भोजन प्राप्त किया, आजादी के साथ गीत गाए और मसीह की ओर आए हुए लोगों को गवाही देते हुए सुना और प्रचारक को साधारण भाषा का उपयोग करते हुए देखा। इन सारी बातों से बढ़कर हर प्रकार के लोगों को वहां स्वीकार किया गया था। दोस्तों, साल्वेशन आर्मी को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। कई कलीसियाओं ने गरीबों के साथ काम करने के नए तरीके की आलोचना की। फिर भी जल्द ही पूरे यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में साल्वेशन आर्मी के कई समूह तैयार हो गए। शीघ्र ही साल्वेशन आर्मी सामाजिक राहत प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई। दोस्तों, कैंसर से पीड़ित होने के कारण 1890 में उनकी पत्नी कैथरीन का निधन हो गया। जिस महीने में उनकी पत्नी का निधन हुआ था उस महीने में विलियम बूथ ने इन द डार्केस्ट इंग्लैंड एंड द वे आउट नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की जिसने न केवल देश की बुराइयों की पहचान की बल्कि गरीबों, कैदियों और बेघरों की मदद के लिए महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। इस पुस्तक की कई महत्वपूर्ण अवधारणाएं 20वीं शताब्दी में उपयोग की गई और इस पुस्तक को बहुत अधिक लोगों द्वारा पढ़ा गया और यह बहुत ही प्रभावशाली थी। इसके बाद विलियम बूथ वापस सुसमाचार प्रचार की सेवकाई की ओर मुड़े। अपने जीवन के अंतिम दशक में उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की और राजाओं, सम्राटों व राष्ट्रपतियों से मुलाकात की। 1912 में उनकी मृत्यु हुई। साल्वेशन आर्मी जिसकी उन्होंने स्थापना की थी वह आज भी अपने कार्य को जारी किए हुए है और लगभग 132 देशों में अपने कार्य को कर रही है। साल्वेशन आर्मी ने सोशल वर्क के द्वारा सुसमाचार को सुनाने का एक नया जरिया प्रस्तुत किया और हजारों लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाया। साल्वेशन आर्मी की जो कलीसिया है उनका विश्वास भी हमारे समान परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और बाइबल के 66 पुस्तकों पर आधारित है। लेकिन साल्वेशन आर्मी के कुछ ऐसे सच भी हैं जो बहुत अधिक विवादित लगते हैं। साल्वेशन आर्मी 32वें के अनुष्ठान को नहीं करती है। साल्वेशन आर्मी प्रभु भोज के अनुष्ठान को नहीं करती है। उनका कहना है इससे लोगों को उद्धार नहीं मिलता है। साल्वेशन आर्मी की सदस्यता के लिए लोगों का परमेश्वर से क्षमा मांगना और यह स्वीकार करना ही काफी है कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें 32वें के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार कहती है, इसलिए तुम जाओ और सब प्रकार के जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब प्रभु भोज की बात आती है तो हम लूका 22 का 19 और पहला कुरिन्थियों 11 का 24 और 25 को नहीं भूल सकते हैं जहां यीशु मसीह कहते हैं मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 32वें और प्रभु भोज को साल्वेशन आर्मी की कलीसिया से बाहर करने का एक मुख्य कारण जो विलियम उनकी पत्नी कैथरीन के द्वारा दिया गया था वह यह था कि कलीसिया में बहुत से लोग विश्वास के बाहरी प्रतीकों जैसे बपतिस्मा और प्रभु भोज पर विश्वास करते थे और एक व्यक्तिगत विश्वास को नहीं जीते थे।
दोस्तों बाइबल की दुनिया का यहाँ इस प्रकार कहना है कि अगर लोगों को इस प्रकार लगने लगा था कि बपतिस्मा और प्रभु भोज उनको उद्धार देता है और धर्मी बनाता है, तो इस प्रकार की गलत शिक्षा को सही शिक्षा में बदलने की जरूरत थी, ना कि प्रभु द्वारा दी गई आज्ञाओं का उल्लंघन करने की। यह तो वही बात हो गई थ्रोइंग द बेबी विद बाथ वाटर, मतलब यह कि गलत बातों से छुटकारा पाने के लिए सही बातों को भी खो देना। किसी ने एक स्टेटमेंट कहा, डियर सालवेशन आर्मी, इफ बैप्टिज्म इज नॉट नेसेसरी आर यूनिफॉर्म्स। प्रिय सालवेशन आर्मी, यदि बपतिस्मा आवश्यक नहीं है तो क्या वर्दी आवश्यक है? जो इस स्टेटमेंट को लिखता है उसका मतलब साफ है कि वर्दी भी तो एक बाहरी दिखावा है। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक इस प्रकार है, वर्दी को सालवेशन आर्मी के लिए इसलिए बनाया गया ताकि गरीब और अमीर एक समान दिखें। दोस्तों किसी भी विषय पर हम कई घंटों तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं कि आप इसके विषय में क्या कहते हैं। क्या बाइबल की शिक्षा का बदला जाना उचित है? अगर आपकी मुलाकात विलियम बूथ से हुई होती तो आप उनसे क्या सवाल पूछते? बपतिस्मा को हटाना और वर्दी का उपयोग में लाना, ऐसा लगता है कि एक अनुष्ठान को हटाकर दूसरे अनुष्ठान को लाया गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? दोस्तों इस प्रकार की वीडियो के द्वारा बाइबल की दुनिया का उद्देश्य सालवेशन आर्मी को निराश करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य सही उत्तर, सही निष्कर्ष और बाइबल की उचित शिक्षा व सिद्धांत को जानना है। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।